गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल बाय एम एस सोहान। टुडे वी विल स्टडी सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 7, ब्रेव इन लाइफ ब्रेव इन डेथ। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हो कि इस चैप्टर का मीन्स है, ब्रेव इन लाइफ का मीन्स होता है जीवन में बहादुरी, ब्रेव इन डेथ मीन्स मृत्यु में भी बहादुरी। ये चैप्टर इस तरह से क्यों दिया गया है, इसका टाइटल इस तरह से क्यों दिया गया है, तो चलो देखते हैं इसके चैप्टर के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, इन योर ओपिनियन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्रेवेस्ट डेड, ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से सबसे ब्रेवेस्ट डीड कौन सा है। फर्स्ट में ए मैन रशेज अक्रॉस द रोड, एक व्यक्ति जो रोड को क्रॉस करता हुआ और दूसरी तरफ जाता है टू हेल्प ए लेडी, एक लेडी की हेल्प करने के लिए, हु हैज फॉलन डाउन, जो नीचे रोड पर गिरी हुई होती है उस लेडी को बचाने के लिए एक व्यक्ति उसे बचाने के लिए जाता है, पहली रेस। नंबर सेकंड, ए चाइल्ड जंप आउट ऑफ द क्लासरूम, एक बच्चा क्लासरूम की जो विंडो होती है उस विंडो से जंप करता है, टू कैच ए स्क्वेरल, एक स्क्वेरल को पकड़ने के लिए। नंबर थर्ड, ए यंग गर्ल रिस्क हर लाइफ, एक युवती अपने जीवन की रिस्क लेती है टू सेव हर यंगर ब्रदर फ्रॉम फायर, आग से बचाने के लिए, अपने छोटे भाई को बचाने के लिए और अपने जीवन की रिस्क लेती है। नंबर फोर्थ रिस्क देखते हैं, ए पायलट मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग, एक पायलट एक आपातकालीन लैंडिंग लेता है टू सेव द लाइफ ऑफ 200 पैसेंजर अब्रॉड, लगभग 200 पैसेंजर्स होते हैं, 200 पैसेंजर्स को बचाने के लिए और इमरजेंसी लैंडिंग करता है। तो हम देखते हैं कि चारों ही प्रकार की ये जो रिस्क हैं, चारों ही प्रकार के जो साहसिक कार्य हैं, साहसिक कार्यों में से सबसे अच्छा हमें कौन सा पसंद आता है। नाउ कंपेयर योर आंसर विथ योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ में इस आंसर को कंपेयर करें। एक्सप्लेन टू योर पार्टनर, और अपने पार्टनर को समझाते हुए बताएं, वाई द डीड यू हैव सेलेक्टेड इज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल, जो भी आपने डीड इसमें से सेलेक्ट किया वो सबसे ब्रेवेस्ट क्यों है, कैसे है। उसी में से हम देखते हैं, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे वो एक नीरजा भनोट के बारे में पढ़ते हैं। नीरजा भनोट कौन होती है और किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन के अंदर साहसी काम किया और किससे संबंधित उन्होंने ऐसा साहस का कार्य किया, तो देखते हैं। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, पढ़ने से पहले हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड को देखते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसिटिव वर्ड आया है। सेंसिटिव मीन्स होता है एबल टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स फीलिंग, दूसरों की भावनाओं को समझने में समर्थ होना, यानी समझदार होना। कंपैशनेट मीन्स होता है सिंपैथी टू सफरिंग पीपल, पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति दर्शाना, संवेदना व्यक्त करना। सेरेन मीन्स होता है कॉम एंड पीसफुल, शांतिपूर्वक। द गल्फ, द अरब कंट्रीज लोकेटेड ऑन द शोर ऑफ द पर्सियन गल्फ। तो देखते हैं, जैसे जैसे वर्ड आते जाएंगे उसी प्रकार से हम आगे उनको पढ़ते जाएंगे। तो नीरजा भनोट वाज बॉर्न टू हरीश एंड रामा भनोट ऑन 7 सितंबर 1963 इन चंडीगढ़। नीरजा भनोट का जन्म चंडीगढ़ में हुआ था इन 1963 के अंदर। लेटर द फैमिली मूव टू मुंबई, उसके बाद उनका जो परिवार था मुंबई चला गया था, जिसे हम बॉम्बे के नाम से जानते हैं।
नीरजा वॉज ए सेंसिटिव एंड अ कंपेसिट यंग वुमेन। नीरजा बहुत ही समझदार और भावुक एक युवती थी, एक यंग लेडी थी। हर इनर ब्यूटी रिफ्लेक्ट ऑन हर सीरेन ब्यूटीफुल फेस। उसकी आंतरिक सौंदर्य, उनकी जो शांत स्वभाव होता है, उसका पीसफुल स्वभाव होता है, पीसफुल स्वभाव से, शांत स्वभाव से उनकी आंतरिक सौंदर्यता का पता चलता है। और उनका जो ब्यूटीफुल फेस होता है, बहुत सुंदर फेस होता है, लेकिन आंतरिक रूप से बहुत संवेदनशील होती है, समझदार होती है, सेंसिटिव होती है और दूसरों की भावनाओं को समझने वाली होती है। फॉलोइंग ए कन्वेंशनल अरेंज मैरिज इन 1985 सी जॉन हर हस्बैंड इन गल्फ। कन्वेंशनल अरेंज मैरिज को करते हुए, फॉलोअप करते हुए इन 1985 सी जॉन हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के साथ सम्मिलित हो गई थी, हस्बैंड के साथ जॉन हो गई थी इन द गल्फ। गल्फ मीन्स अरब कंट्री, अरब कंट्री लोकेटेड ऑन द शोर ऑफ द पर्सियन गल्फ। वो अपने हस्बैंड के साथ में सम्मिलित हो गई थी, बट अंडर द स्ट्रेन ऑफ डावरी प्रेशर, लेकिन बहुत अधिक दहेज के दबाव में, दबाव के कारण। नीरजा रिटर्न होम टू हर पेरेंट्स। नीरजा अपने पेरेंट्स के पास वापस लौट के चली आती है इन मुंबई विद इन टू मंथ के दौरान ही वापस अपने हस्बैंड को छोड़ करके और वापस चली आती है। नीरजा वाज ए वुमेन ऑफ डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स होता है बेटा द सेरेन ऑफ वन ओन वैल्यू, अपने स्वयं का स्वाभिमान, डिग्निटी, अपना मान सम्मान। सो नीरजा वाज ए वुमेन ऑफ डिग्निटी, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने गौरव के लिए, अपना मान सम्मान को रखने वाली एक लेडी थी, एंड स्ट्रेंथ, और अपने आप में पावरफुल थी, ताकतवर रखती थी। सी वुड नॉट टैलेंट टू प्रेशर ऑफ डबरी। रिलेंट मीन्स होता है एग्री अनविलिंगली, लेकिन वह दहेज देने के लिए, प्रेशर से, दहेज के प्रेशर से वो अपने फैमिली, अपने पति से अनिच्छापूर्वक सहमत नहीं हो पाई। हर हस्बैंड सेट ह्यूमिलेटिंग कंडीशन फॉर हर रिटर्न टू हिम। उसके जो हस्बैंड थे उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को महसूस किया, उसकी भावनाओं को समझा। फॉर हर रिटर्न टू हिम वो उसके पास में, जब वो उसके पास पहुंची। बट नीरजा फैमिली डिड नॉट कंपाइल, लेकिन नीरजा का जो परिवार था, नीरजा के परिवार ने इस बात को उनके हस्बैंड से किसी प्रकार की रिक्वेस्ट नहीं की। द मैरिज हैड टर्न सावर। अब उनकी जो मैरिज थी वो मैरिज में विवाद उत्पन्न होने लगे, यानी कि मैरिज में टर्न सावर, मैरिज उनकी खटाई में पड़ गई। खटाई में पड़ने का मीन्स होता है कि शादी में अनेक प्रकार की परेशानियां आने लगी। नीरजा डिसाइडेड टू मूव ऑन इन लाइफ एंड सी साइन ए मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट। नीरजा ने अपने जीवन को आगे बढ़ाने का निश्चय किया एंड सी साइन ए मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट, और उसने एक मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट में जाकर के अपने साइन किए, हस्ताक्षर किए, उसमें सहमति जताई। ए लिटिल लेटर सी अंडरटुक द ट्रेनिंग फॉर ए फ्लाइट पल्सर। कुछ समय के बाद उन्हें एक ट्रेनिंग मिली थी, उनको एक ट्रेंड किया गया था, प्रशिक्षण में उन्होंने सम्मिलित लेना, भाग लेना महसूस किया, फॉर ए फ्लाइट पर्सर। फ्लाइट पर्सर मीन्स होता है हेड फ्लाइट अटेंडेंट, जो फ्लाइट के अंदर जो गेस्ट होते हैं, गेस्टों को अटेंड करने वाले होते हैं, उनके हेड फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में उन्हें ट्रेनिंग लेने का उन्होंने निश्चय किया विद पैन एम।
पेन एम के साथ। तो इस तरह से देखते हैं कि नीरजा भनोट किस प्रकार से साहसिक कार्य करते हुए और आगे बढ़ती है। नेक्स्ट, तो यहां तक हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट पार्ट यही हम फिनिश करते हैं और नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, ओके।